नए साल का नया महीना, तो चलिए करें कुछ न्यू गेम्स की बात। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रतीक और आप लोग देख रहे हैं प्रोटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए साथ में मिलकर के पता करते हैं कुछ न्यू एंड्रॉइड गेम्स। जी हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए न्यू एंड्रॉइड गेम्स के लिए। चलिए दोस्तों 10 गेम की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट गेम से जो निकल के आता है, स्पॉन्जबॉब स्क्वायरपैंट्स बैटल ऑफ बिकनी बॉटम। अब आप कहेंगे प्रतीक भाई क्या कर रहे हो यार, न्यू गेम्स बताओ और स्पॉन्जबॉब का गेम। रुको जरा, सबर करो, पहले गेम के बारे में जान तो लो। देखो यार, स्पॉन्जबॉब हम सभी ने अपने बचपन में एक ना एक बार तो देखा ही हुआ है एंड हम सभी उसके फैन भी रहे हैं, चाहे वो स्पॉन्जबॉब, पैट्रिक, सैंडी या फिर वो सबसे ज्यादा कंजूस वाला जो वो कैक्टस है। अगर बात करें गेम की तो वहाँ पर आप लोगों को सभी कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इवन आप लोग अलग अलग कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गेम को प्ले भी कर सकते हो। ढेर सारे एरिनास हैं, बहुत सारी लोकेशंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पर होता क्या है, आप लोग को बचाना है बिकनी बॉटम को, यानी कि स्पॉन्जबॉब का शहर, उस जहाँ पर वो लोग रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ढेर सारे एडवेंचर्स में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेवल्स को कंप्लीट करेंगे एंड यहाँ पर ढेर सारी फाइटिंग भी होगी। लेकिन घबराइएगा मत, जो बॉस फाइट होगी वो बड़ी मजेदार रहने वाली है। और अगर कुछ लोग कहें कि यार हमें तो शूटिंग गेम्स खेलना पसंद है या फिर हम लोग ऐसे बच्चों वाले गेम्स नहीं खेलते, तो पूरी पूरी लिस्ट पड़ी है, आप लोग रुक जाइए। ये गेम्स बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा क्योंकि इसमें ढेर सारा एडवेंचर है, ग्राफिक्स बहुत अच्छी है। और दोस्तों इतनी अच्छी ग्राफिक्स की वजह से गेम का जो साइज है वो हो जाता है 2.4 GB के आसपास, यानी कि बड़ा साइज है। गेम टोटली ऑफलाइन है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। पहले इतनी जरूरत होगी तो बाद में क्यों पड़ेगी। एंड अगर एक और चीज जो मुझे इस गेम की अच्छी लगी है वो है कंट्रोलर सपोर्ट, यानी कि अगर आपके पास में कोई भी कंट्रोलर रखा हुआ है तो वो आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कीजिए और इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, अगर आप लोगों को स्पॉन्जबॉब गेम पसंद नहीं भी आया तो पूरी वीडियो पड़ी है, इतने सारे गेम है। और अब जो गेम आने वाला है वो आपके लिए है, जितने भी लोग ये हाई ग्राफिक्स फ्रीक बनते हैं और जिनको ग्राफिक्स और गन चलाना पसंद है। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस तरह बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर्स 3-2-1 शूट आउट की। ये एक बड़ा ही मजेदार सा फास्ट पेस एक्शन गेम है। आप लोग करना क्या है, अपनी गन्स को निकाल लेना है। ढेर सारी वेपन्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, उन वेपन्स का यूज करके एनिमीज की रोल्स और वेव्स चलती आ जाएंगी, यानी कि ढेर सारे एनिमीज आप लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, उनका आप लोग सामना करेंगे वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग लोकेशंस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल स्पेस स्टेशंस, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हैंगर्स, और उनमें आप लोगों को जाना होगा, फाइट करना होगा उन एनिमीज से और उन्हें मार गिराना होगा। गेम जो कि है इंडिविजुअल क्रिएटर के द्वारा बनाया गया है तो उसे सपोर्ट करना बनता है। डाउनलोड लिंक्स मैंने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है, जल्दी से करके चेकआउट कीजिए। बात करें सेकंड गेम की तो वो निकल के आता है प्रोजेक्ट गिया। दोस्तों ये जो गेम है वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल गेम होने वाला है। ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस गेम की जो ग्राफिक्स है वो आप लोगों को बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। मल्टीप्लेयर कोऑप मोड है, यानी कि अपने दोस्तों के साथ में प्ले कर सकते हो इस गेम की कैंपेन को, स्टोरी को और मिशंस को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को सर्वाइव करना होगा। आप कहेंगे किन से, भाई ढेर सारे ज़ॉम्बीज आप लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, उनसे सर्वाइव कीजिए, आसपास की सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर कीजिए, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स रहेंगे, खतरनाक सीनरी देखने के लिए मिलेगी और एक्सप्लोर करते करते रिक्वायर्ड आइटम्स और सप्लाईज को गैदर कर लीजिएगा, उसका यूज करके आप लोग अपना शेल्टर क्राफ्ट करेंगे। आसपास के रिक्वायर्ड चीजों का इस्तेमाल करते हुए जो भी चीज आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल टूल्स, उनको क्राफ्ट कीजिए, देन इस्तेमाल कीजिए ज़ॉम्बीज के खिलाफ। अगर आपको ये भी काफी नहीं लग रहा है तो ढेर सारे गेम मोड्स हैं जिनका यूज करके आप लोग और भी मजे उठा सकते हैं। अगर बात करी जाए गेम के साइज की तो वो है दोस्तों 2.5 GB। जी हाँ, इस गेम को डाउनलोड करने के लिए ना पहले आपको गूगल पे सर्च करना होगा, देन आपको 650 MB के आसपास का एक APK मिलेगा, उसको इंस्टॉल करिएगा, देन उसके बाद में आपको एक अपडेट मिलेगा 1.6 GB के आसपास का, देन आप लोग आसानी से इस गेम को प्ले कर पाएंगे। ये जो गेम प्ले आप देख रहे हैं ये स्टूडियो में ही रिकॉर्ड किया गया है। बात करें अगर गेम ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन, यार मल्टीप्लेयर कोऑप मोड मिलता है तो ऑनलाइन होना तो बनता ही है। तो मिल गया आप लोगों को अपनी पसंद का गेम, और अभी भी कुछ और गेम्स ट्राई करना चाहते हैं तो पूरी पूरी वीडियो पड़ी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो प्रोडक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए हर हफ्ते न्यू गेम्स लाता रहता हूं। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिसका नेम है गेमर्स लैंड। वहां पर मैं माइनक्राफ्ट, GTA, इन सभी के हाई ग्राफिक्स वाले बहुत ही मजेदार और फनी गेम प्ले लाता रहता हूँ। बात करें अगर थर्ड गेम की तो वो निकल के आता है दोस्तों सुसाइड गाय। अब अगर आप लोग एक एक्शन, पजल और एडवेंचरस गेम ढूंढ रहे थे तो भाई सुसाइड गाय गेम को ट्राई करना।
यह गेम इतना मजेदार है कि जब मैंने इस गेम को प्ले किया तो मुझे लगा कि भाई मिल गया मेरे को वो गेम जिसको बहुत सारे स्ट्रीमर्स और मोबाइल प्लेयर्स एंजॉय करके प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 25 ऐसे लेवल्स देखने के लिए मिलते हैं जिनको कंप्लीट करने में आपको मजा भी आएगा, स्ट्रेटजीज भी बनानी पड़ेगी यानी कि दिमाग का यूज भी करना पड़ेगा, और सारे के सारे लेवल्स करने में बहुत ही मजेदार एडवेंचर मिलता है। स्टोरी ड्रिवन गेम है यानी कि प्लॉट भी आप लोगों को समझाए जाएंगे, कट सीन्स भी आते हैं एंड एडवेंचरस भी है। उसी के साथ में गेम के अंदर आप लोगों को फिजिक्स देखने के लिए मिल जाती है। गेम की जो ग्राफिक्स है वो आप लोगों को बहुत अच्छी मिलेंगी, भले ही एनिमेटेड स्टाइल की हो लेकिन खेलने में और आसपास के एनवायरनमेंट को देखने में मजा आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों को ड्राइव करने के लिए व्हीकल्स मिल जाती हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में ढूंढने के लिए कलेक्टेबल आइटम मिल जाते हैं, और बात करूं साइज की तो वो है 1.2 GB, और ये गेम ऑफलाइन रहेगा। और नेक्स्ट गेम पे जाने से पहले मैं आप लोगों को दो डिसअपॉइंटिंग बातें बता देना चाहता हूं, सुसाइड गाय गेम की और स्पॉन्जबॉब वाले गेम की। ये दोनों ही गेम आप लोगों को पेड देखने के लिए मिल जाएंगे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और जितने भी लोग गेम्स को फ्री में डाउनलोड करते हैं मुझे पता है वो उदास हो गए होंगे बिकॉज ये गेम्स पेड है, बट क्या कर सकते हैं यार, डेवलपर्स ने इन गेम के चार्जेस रखने के बारे में सोचा होगा, तो कुछ सोच समझ के ही सोचा होगा, ज्यादा पैसे लगे होंगे गेम को बनाने के लिए। मैंने बताना सही समझा तो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों की पसंद के और भी गेम्स हैं, जैसे एक तगड़ा शूटिंग गेम। बात करें अगर हम लोग फोर्थ गेम की तो वो निकल के आता है दोस्तों, वॉर आफ्टर। अगर आप लोग भी उन लोगों में से हैं जिनको लगता है पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, फ्री फायर, इन गेम्स के अलावा कोई भी एक अच्छा शूटिंग गेम आप लोगों को मोबाइल डिवाइसेस पर नहीं मिल पाएगा तो आप बिल्कुल गलत है मेरे भाई। रोडिक चैनल की सारी वीडियोस देख लीजिए, एक से बढ़ के ये गेम मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज का जो गेम है ये वॉर आफ्टर, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का पीवीपी एक्शन शूटर गेम है। यहाँ पर आप लोगों को टन्स ऑफ वेपन मिल जाती हैं, फॉर एग्जांपल असॉल्ट राइफल, एसएमजी, स्नाइपर राइफल, शॉटगन्स और ग्रेनेड्स। इसी के साथ में जो ऑनलाइन वॉर बैटल मिलती है उसमें आप लोग अपने दोस्तों के साथ में प्ले कर सकते हो, और जो सबसे अच्छा पॉइंट है इस गेम का वो है इसकी ग्राफिक्स। कम साइज का होने के बावजूद जो गेम की ग्राफिक्स है वो आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट देखने के लिए मिलती है। गेम के अंदर आप लोगों को इजी कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, आप लोग अपने गियर को अपग्रेड कर सकते हो, और बात करें अगर साइज की तो वो है 150 MB के आसपास। सोचिए जरा, 150 MB का गेम और ग्राफिक्स पबजी जैसी। सिर्फ इतना ही नहीं, बात करें अगर गेम ऑनलाइन रहेगा या फिर ऑफलाइन तो ऑब्वियसली ऑनलाइन रहेगा। और अब बात करते हैं एक बड़े ही मजेदार और डरावने गेम की। आप लोग कह रहे हो यार एक साइड में मजेदार और एक साइड में डरावना, ऐसा कौन सा गेम है? और वो निकल के आता है दोस्तों स्केरी इविल टीचर। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में ना सभी लोग अपने टीचर्स से काफी डरा करते हैं, जो चाइल्डहुड में खतरनाक मेमोरीज होती है ना उनकी भड़ास आप लोग इस गेम पे निकाल सकते हो। क्यों, यहाँ पर होता क्या है, आपकी जो टीचर है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। वार्निंग, मैं टीचर्स को यहाँ पर कुछ भी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट एक गेम है और उसके डेवलपर्स की यही सोच है तो बताना पड़ रहा है। तो वो जो टीचर है बहुत ज्यादा डरावनी है और अपने बच्चों को परेशान करती है, क्या करती है, खतरनाक पनिशमेंट देती है, क्लास के बाहर खड़े करती है, कुछ ट्रैप्स वगैरह सेट करती है ताकि बच्चे डर करके रहे। लेकिन एक स्टूडेंट क्या होता है ना, वो खुरापाती होता है और वो टीचर को ही डराना चाहता है। वो एंट्रेंस से पहले टीचर की कुछ ना कुछ चीजें कर देता है ताकि टीचर डर जाए, डराने के लिए प्रैंक्स वगैरह करता है। तो सोचिए सर गेम कितना इंटरेस्टिंग रहेगा। इस गेम के अंदर आप लोग भी ऐसे ही एडवेंचर पे जाएंगे, कभी आप लोग को डर लगता है और कभी आप लोग अपने टीचर को डराते हैं। बात करूं अगर साइज की तो वो है 55 MB के आसपास और गेम टोटली ऑफलाइन है। और चलिए फटाफट से बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की जो निकल के आता है ओशन इज होम। अगर आप लोगों को लग रहा था कि मुझे तो भाई मेरी पसंद के ढेर सारे गेम मिल गए हैं तो रुकिए जरा, इस गेम को भी एक ना एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर होता क्या है, आप लोगों को रियल टाइम में रियल वर्ल्ड का सिमुलेटर मिलता है, यानी कि आपका खुद का एक आइलैंड रहेगा, उस आइलैंड को आप लोगों को एक्सप्लोर करना होगा, नई नई टेरिटरीज में जाइए, लूट करिए, आसपास के एनवायरमेंट से रिसोर्सेस को कलेक्ट कीजिए और अपने क्राफ्टिंग वगैरह शुरू कर दीजिएगा। क्या हुआ, नहीं समझे? जी हाँ, इस गेम के अंदर आप लोग अपना खुद का एक खतरनाक घर बना सकते हो, यानी कि अपना हाउस को डिजाइन कीजिए, इवन आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, यानी कि आपकी खुद की एक कार रहेगी, उसको परचेज करने के बाद ड्राइव करना सीखिए, देन आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। अपना एक कैरियर बनाइए जिसको आप लोग डेवलप करेंगे और धीरे धीरे काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये गेम वैसे तो बहुत ज्यादा बड़ा है, खेलने में भी काफी मजा आता है। और अगर मैं बात करूं गेम के साइज की तो वो है 122 MB और गेम टोटली ऑफलाइन है। और चलिए बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट गेम की जो निकल के आता है फाइमेंट। फाइमेंट इंसानों के हाथों से बनाया गया एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। यहाँ दोस्तों ये हैंड प्रिंटेड ग्राफिक्स से बनाया गया है, कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक इस गेम के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, और इतने अच्छे पजल्स हैं
जिनको सॉल्व करने में आप लोगों को मजा आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गेम के अंदर आप लोगों को कंट्रोलर का फुल सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ऐसे पजल्स होंगे जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको ब्रेन का भी यूज करना पड़ेगा और लास्ट में आसपास के एनवायरनमेंट में जो पड़ी हुई चीजें हैं उनका भी यूज कीजिएगा। और अगर बात करो गेम के साइज की तो वो है 740 MB और गेम टोटली ऑफलाइन रहेगा। और चलिए अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग से गेम की, यानी कि हमारा 8 नंबर का गेम जो निकल के आता है एस्ट्राक्राफ्ट। इस गेम के अंदर पता क्या होता है, आपकी जो बाउंड्रीज है उनको हटा दिया जाता है, यानी कि आपके दिमाग में आपकी इमेजिनेशन में आप जो भी सोचते हैं उसको क्राफ्ट कीजिए, अपनी एक स्पेसशिप बनाइए, एक बैटलशिप तैयार कीजिए और उसको लेकर के जाइए अपने दोस्तों के साथ में फाइट कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस गेम के अंदर आप लोगों को ढेरों गेम मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आप लोग अपने क्राफ्ट कर सकते हैं एक स्पेसशिप, दूसरे में आप लोग अपने दोस्तों के साथ में बैटल कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के गेम मोड्स रहेंगे अलग अलग चीजों के लिए और गेम को खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अनोखा और कमाल का है। अगर बात करी जाए गेम के साइज की तो वो है अप्रोक्सीमेटली 1 GB के आसपास और गेम ऑनलाइन रहेगा। और चलिए इसी के साथ में बात करते हैं हमारी वीडियो के सेकंड लास्ट गेम की, जो निकल के आता है समुराई 3। अब यहाँ पर आप तलवार वलवार चलाने वाले हैं, स्कॉर्ड चलाएंगे, मारेंगे दुश्मनों को, खतरनाक बन जाएंगे, क्योंकि होता क्या है यहाँ पर अपने एक समुराई बनेंगे और समुराई अपने मिशन को अंजाम देते हैं, फाइट करते हैं ढेर सारे अपोनेंट से और रास्ते में आने वाले सारे के सारे एनिमीज को मार गिराते हैं। वही आप लोग करेंगे, गेम का थर्ड सीक्वल है, ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, मजा आता है इस गेम को खेलने में और अगर आप भी समुराई बनना चाहते हैं या फिर तलवार चलाना पसंद है तो इस गेम को ट्राई करिएगा। बात करें अगर साइज की तो वो है 60 MB, गेम ऑफलाइन है, कम साइज में आता है, हर एक डिवाइस पे चल जाता है, तो और क्या चाहिए। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी वीडियो की एंडिंग की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। बात करोगे लास्ट गेम की तो वो निकल के आता है सुपर बियर एडवेंचर। ये गेम 3D प्लेटफॉर्मर गेम जो कि 90s के टाइम का उससे इंस्पायर करके बनाया गया है। यहाँ पर आप लोगों को 6 ओपन वर्ल्ड लेवल देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि नई नई लोकेशंस में जाइए, सारी की सारी लोकेशन ओपन वर्ल्ड रहेंगी, वहां पर आप लोगों को एडवेंचर करने के लिए मिलता है, पजल सॉल्व करने के लिए मिल जाती हैं और एनिमी से फाइट करने के लिए भी मिलता है। अगर बात करो गेम के साइज की तो वो है 75 MB और गेम ऑफलाइन रहेगा। बताओ इस गेम की प्लस पॉइंट क्या है, ज्यादातर लोग सोचते हैं यार ये जो गेम्स होते हैं जैसे बियर दिख रहा है तो ये छोटे बच्चों के लिए होंगे, लेकिन ये गेम खेलने में मजा आता है लिटरली। अगर आप इस गेम को ट्राई करते हैं और फिर मुझे बताइएगा आपको अच्छा लगा या फिर नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो, मैंने उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश करी है ज्यादातर अलग अलग कैटेगरीज के गेम आपको बताऊं, जैसे कोई हॉरर गेम निकला है तो वो भी बता दूं, कोई मजेदार ओपन वर्ल्ड गेम निकले हैं वो बताऊं, जैसे कुछ अलग अलग आइडिया वाले गेम है तो वो भी बताऊं। अगर रिपोर्ट्स अच्छे लगे हो तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, प्रोटेक्ट, बाय बाय।